हाय फ्रेंड्स, तो आज हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों यहां देखोगे फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू फोर, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, अगर आ जाए तो आप क्या करोगे, स्किप कर दोगे कि आपको तो पता नहीं कैसे करोगे इसको सॉल्व, अगर करोगे भी तो बहुत टाइम लगा। तो ऐसे कंडीशन में विद इन सेकेंड इस क्वेश्चन को कैसे करोगे तो देखोगे। अब ये गिवन पार्ट है ना दोस्तों, ये आपका गिवन पार्ट है। तो यहां ऐसा एक्स और वाई का वैल्यू को हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या हो जाए, आपस में इक्वल हो जाए। ठीक है, तो आप माइंड में ऐसे वैल्यू को आप एज्यूम करो। तो देखोगे अगर हम यहां पे सब स्क्वायर है, अगर हम एक्स का वैल्यू 1 ले ले और y का वैल्यू अगर 1 ले ले, या फिर आप माइनस 1 ही ले लो क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ भी स्क्वायर है, ठीक है ना, तो ये सेटिस्फाइड होगा। देखोगे 1 का स्क्वायर दोस्तों अब प्लस लो या फिर माइनस लो, अगर आप स्क्वायर करोगे तो क्या होगा, 1 ही होगा। एंड देन इसका स्क्वायर करोगे तो 1 होगा, 1 बाई 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, 1 बाई अगेन 1 स्क्वायर करोगे तो भी 1 होगा, यानी 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कितना हुआ 4 इज इक्वल्स टू 4, है ना, यानी ये सेटिस्फाइड है। तो भाई ये किसके लिए सेटिस्फाइड है, x के इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1 या फिर y इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, दोनों के लिए सेटिस्फाइड हो रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे इस वैल्यू को पुट कर दो, आंसर आ गया। तो देखोगे प्लस माइनस 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 ही होगा, 1 प्लस 1 इक्वल्स टू कितना 2, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों बिना सॉल्व किए बिना पेन यूज किया आप आंसर को माइंड में कैलकुलेट करके आंसर विद इन सेकंड दे सकते हो। आंसर 2 आया, ऑप्शन नंबर देखोगे बी फर्स्ट करेक्ट। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से आया हुआ क्वेश्चन से। तो कैसे करेंगे, यहां पे दिया हुआ एक्स रेशियो वाई इज इक्वल टू 7:3, देन आपसे पूछ रहा है एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। अब इस क्वेश्चन को दोस्तों आपको करना होगा, तो कैसे करोगे, इजी है। अब देखोगे यहां से आप डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेट करके आंसर को दे सकते हो, बट मैं करके दिखा दे रहा हूं। एक्स बाई वाई आप लिख सकते हो, 7:3 आप लिख सकते हो, ये हो गया एक्स का वैल्यू, ये हो गया वाई का वैल्यू। अब इस एक्स के वैल्यू और वाई के वैल्यू को आप यहां पुट कर दो, आंसर आ गया। तो यहां बोलोगे एक्स वाई है यानी मल्टीप्लाई है, तो 7 3 दोस्तों क्या होगा 21, सो ये हो गया 21। एंड देन प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर मीन्स 3 का स्क्वायर कितना होगा 9, और नीचे आ जाओ एक्स स्क्वायर यानी 7 2 49। एंड देन माइनस, ये ना माइनस वाई स्क्वायर, वाई मीन्स 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, सो ये हो गया आपका 30 और ये नीचे हो गया 40, 0 0 कैंसिल यानी हो गया 3/4। तो 3/4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सो ऑप्शन नंबर में देखोगे 3/4, तो 3/4 ऑप्शन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, यहां दिया हुआ इफ, यहां भी देखोगे रेशियो का ही क्वेश्चन है, आयवा क्वेश्चन है, एक्स रेशियो वाई इज इक्वल्स टू 3:5, एंड और एक दिया हुआ है एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2 दे दिया हुआ है, देन आपसे पूछ रहा है एक्स प्लस वाई। भाई ये तो इजी क्वेश्चन है, कैसे करोगे देखोगे, यहां पे अगर x का वैल्यू 3 है और y का वैल्यू अगर 5 लेते हैं, तो ये वैल्यू ये सेटिस्फाइड हो रहा है कि नहीं पहले चेक करोगे आप। x इज इक्वल्स टू 3 लिए, y इज इक्वल्स टू 5 लिए, जैसे यहां पे हम लोग किए थे ना, सेम वैसे ही करेंगे यहां पे। ठीक है, तो देखोगे अब x माइनस वाई यानी 3 - 5 करोगे तो बोलोगे -2, है ना, यहां पे सेटिस्फाइड है। तो इसी वैल्यू को क्या करेंगे, यहां पुट कर देंगे, तो यहां क्या x प्लस वाई है, तो दोनों को प्लस करोगे तो कितना होगा 3 + 5, ये हो गया आपका 8। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर 8 हुआ। तो ऑप्शंस में देखोगे तो ऑप्शन नंबर हो गया फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, आज मैंने मैथ्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाए। ऐसे क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।